लोकेशन कुछ याद आ रही है आपको? सेम ये जगह थी, यही गाड़ी थी, यही लोकेशन थी, रोड बिल्कुल वहां पे है। लेकिन हमारी गाड़ी ने रोड से सिर्फ 100 या 200 मीटर पहले हक दिया। कल शाम से लेकर और अब तक के बीच में क्या क्या हुआ आपने सारी चीज़ देखी होगी। यहाँ पे गाड़ी ख़राब होती है, उधर से मार रहा था, पहले एक दुकान पे गया, वहाँ पे मैंने बोला कि भाई साहब ये टायर ठीक हो जाएगा क्या, क्योंकि टायर के अंदर इतना बड़ा कट लगा हुआ है, वो किसी पत्थर वत्थर से टकरा के लग गया होगा। वो भाई बोलते नहीं भाई साहब ये टायर ठीक नहीं होगा। मैं बोला फिर भी एक बार आप ट्राई करो। तो भाई ने अंदर पंचर लगाया और जब टायर के अंदर हवा भरी तो टायर 3-4 जगह से फूल गया। देखा होगा आपने कई बार टायर साइडों में से फूल जाते हैं, तो इसका मतलब आपका टायर ख़राब हो चुका है। बोलते भाई साहब आप अपने इस गाड़ी को 80 से ऊपर मत लेके जाना और धीरे धीरे जो भी अगले सिटी आए ना। बोलता नहीं भाई आप छोड़ो, नया टायर ही डाल दो। तो उस भाई ने नया टायर डाल दिया और नया टायर पड़ा मेरे 180 रियाल का। 180 रियाल बोले तो 3,600 रुपीज़। लेकिन उस भाई ने गड़बड़ क्या कर दी, देखा नहीं ढंग से और टायर है ना बड़े साइज़ का डाल दिया। ये देखो मैंने भी सुबह ध्यान दिया है, एक ये साइज देखो और एक ये साइज देखो, और टायर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। मैं जब बैक वैक कर रहा था फुल एकदम कटान वो करने के बाद, तो टायर यहाँ पे टच हो रहा था, तो अच्छे खासे पंगे वापस से हो गए। लेकिन मुझे आप लोगों को एक बार ये जगह दिखाने थी कि बेसिकली ये सीन मेरे साथ हुआ कहाँ पे था। एक चीज़ और बताना भूल गया, इसी बीच मुझे विष्णु वापस मिला। कैसा है लोंडे? बहुत बढ़िया, क्या जगह है यार। ये जो काला काला ये क्या, ये भी लावा होगा क्या? हाँ कंफर्म भाई, के कंफर्म लावा है। अब वापस से जो हमारा वोल्केनो है उसके तरफ जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रास्ते का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूँ। आगे से गाड़ी मोड़ के ला रहा हूँ, तो इतने आप इस पवित्र रास्ते को देखिए जिसने मेरे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश की थी। सामने अब आपको जैसा रोड दिख रहा है, रोड का एज जैसी भी रास्ता है, इसी रास्ते से, अरे खिड़की बंद की धूल आ गई अंदर, इसी रास्ते पर मैं कम से कम 25 से 30 किलोमीटर चला के आया था। और अगर मैं धीरे लेके आता ना तो इतने पंगे नहीं होते। मैं भी भाई एकदम धूम मचाले। और जब आप धूम मचाओगे तो आपके साथ धूम मचाली ही होगी। ये रोड में चलाने वाली रोड नहीं रखती मेरे को, ये ऐसी कार में तो नहीं चला सकते आप। नहीं इतना क्लोज होके भी अगर कुछ हो तो फिर यार कभी कभी लगता है क्या यार कैसा। यार इतना तो रुक जाना चाहिए था, मतलब यार 50 मीटर भाई, 50 मीटर कितना होता है साला? 25 वो बात हो गई जो 99 पे आउट आता है ना। हाँ वो एकदम जैसे सचिन के साथ होता साले फिर 99 पे आउट हो गए शिट। भाई 25 किलोमीटर तो गाड़ी में कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये शुक्र में जैसे अगर पॉजिटिव साइड देखें तो शुक्र है कि भाई 25 किलोमीटर तो कुछ नहीं हुआ, और अगर पहले कुछ हो जाता तो। वीडियो में आगे जाने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। आपको याद होगा कि कुछ वीक्स पहले मैंने आप सभी को गूगल के फ्री शेयर्स गिफ्ट किए थे। इस वीडियो में मैं आप सभी को मेरी एक और फेवरेट कंपनी टेस्ला के फ्री शेयर्स गिफ्ट करने वाला हूँ। आप ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर देख रहे हो? यूट्यूब पे राइट? और मोस्ट प्रोबेबली आपके फोन में iOS या एंड्रॉइड होगा। शॉपिंग आप किस वेबसाइट से करते हो? अमेजोन या फ्लिपकार्ट? मूवीज के लिए आई एम श्योर आप नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम यूज करते होगे। जब डेली हम इन कंपनीज के इतने प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज करते हैं, इनके जो फाउंडर्स हैं उनसे इंस्पायर होते हैं, तो हम इनके ग्रोथ का फायदा क्यों नहीं उठाते? अभी हम इंडिया में टेस्ला कार ऑन तो नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ला के स्टॉक तो खरीद सकते हैं। आई नो अब आप बोलेंगे कि US स्टॉक खरीदने पर बहुत ज्यादा कमीशन और बहुत ज्यादा चार्जेस इन्वॉल्व होंगे, और जो US स्टॉक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, हजारों डॉलर्स में इनकी कीमत है। देखो अगर आप मेरी तरह US स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए INDMoney मनी ऐप का यूज करते हो, तो आप US स्टॉक को फ्रैक्शंस में भी खरीद सकते हो। फ्रैक्शन बोले तो एक स्टॉक का छोटा सा हिस्सा। और सबसे अच्छी बात, INDMoney मनी पर कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, जीरो ब्रोकरेज है और जीरो कमीशन, ताकि आप एक छोटे से अमाउंट से भी अपनी जो फेवरेट US की कंपनीज हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर सको। और इस वीडियो के थ्रू मैं INDMoney मनी ऐप के साथ मिलकर आप सभी को 750 रुपीज के एप्पल के फ्री शेयर दे रहा हूँ। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से INDMoney मनी ऐप को डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, और जैसे ही आप अपने फ्री US स्टॉक अकाउंट के अंदर फंड ऐड करोगे उसके बाद आपको 750 रुपीज के एप्पल के फ्री शेयर्स मिल जाएंगे। और अगर आप INDMoney मनी ऐप को ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो आपको बस एक कोड यूज करना है NITESLA। अगर आप मेरी लिंक या कोड के थ्रू डाउनलोड करते हो तो आपको 50 रुपीज के एक्स्ट्रा बोनस शेयर्स मिलेंगे, मतलब 800 रुपए के फ्री शेयर्स, 750 पहले वाले और 50 एक्स्ट्रा बोनस। और अब वापस चलते हैं हमारे वोल्केनो की तरफ। पिछले 2-3 वीडियो से जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, और फाइनली आज उस जगह पर जा रहे हैं हम दोनों। हवा बहुत तेज चल रही है। जब मैंने मैप को सैटेलाइट व्यू से देखा
तो बहुत सारी मस्त मस्त जगह दिख रही थी और उनमें से एक थी ये जगह। तो ये जगह नॉर्मली आपको इसके पहले से पता था या फिर कैसे किसी ने बताया आपको? किसी ने नहीं बताया। मैं मैप में ये मेरे को जगह ना थोड़ी अजीब सी लगी कि एकदम काली काली, मैं ये काला काला कैसे है? फिर थोड़ा जूम इन किया तो जो वोल्केनो का माउथ होता है ना, हाँ हाँ हाँ। वो दिखा मैं, भाई ये तो कंफर्म लावा है। इतना साल मतलब पहले आप बोल सकते हो अंदाजा जहाँ पे लावा होता है? कोई अंदाजा नहीं है भाई, सब एकदम ऐसे। कोई यार ज्योग्राफी की इतनी तगड़ी समझ थोड़ी है। ये लग पास में रहा है लेकिन ये बहुत दूर होने वाला है, 4 किलोमीटर आराम से भाई, 4 से ज्यादा भी हो सकता है। आई होप गाड़ी के साथ कुछ भी ना हो यार। पासपोर्ट कहाँ है तेरा? अरे हाँ, एम्बेसी में है तेरा इसका पासपोर्ट। तो सबसे मेन है भाई आपका पासपोर्ट मेरे पास है, बाकी मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। जब तक आएंगे हम इस जगह के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, और जो जगह जितनी कम अनजान रहती है वहाँ पे उतने ही ज़्यादा मज़े आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई नहीं मिलेगा। जो भी हमारे एक्सपीरियंस होंगे वो और तगड़े हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा, ना कोई हमारी हेल्प करने वाला होगा ना कुछ। और सामने जो आपको ये काला काला दिख रहा है, ये सारा एक टाइम में लावा था और अब ये कन्वर्ट होके एकदम हार्ड पत्थर हो गया है। ये है नॉर्मल जिंदगी और ये है लावा वाली जिंदगी। लिटरली एकदम यू शेप देख सकते हो कि एक टाइम ये लिक्विड रहा होगा। मस्त लग रहा है भाई। ये एक टाइम में लावा था और अब तगड़ा हार्ड हो गया भाई। ये ऐसी जगह देख के तो एनर्जी आती है भाई। ओ भाई ध्यान से, यहाँ पे सांप वाप भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो जहाँ पे भी पैर रखे थोड़ा ढंग से और ध्यान से। नेचर का रूप देखिए ना यार, यहाँ पे कैसे रास्ता सा बना रखा है। एक्टिव वोल्केनो पे तो जाने का अभी तक मौका नहीं मिला है, लेकिन एक नॉन एक्टिव वोल्केनो ही सही। आज का खाना हम वोल्केनो के ऊपर करेंगे। भाई साहब अंदर केव बनी हुई है, विष्णु देख अंदर केव बनी हुई है। इधर आके देख, वो तो नॉर्मल है भाई साहब। अरे ये क्या है? उस केव को देखने के बाद एक्साइटमेंट कम, डर ज्यादा लग रहा है कि कहीं जहां पे हम चल रहे हैं वहां पे नीचे केव ना हो और साला हम पैर रखे और सीधा एकदम अंदर। लुल हो जाएगा भाई हमारे साथ। तो कभी भी इस टाइप की जगह पे जाओ थोड़ा ध्यान से चलना और एक्स्ट्रा मेजर्स लेना चलते टाइम। ये देखिए एक अलग टाइप का रॉक फॉर्म है, यहाँ पे थोड़ी अलग टाइप की फॉर्मेशन है। ये एक और देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी केव और बनी हुई है। यहाँ पे आगे सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो गई है। यहाँ पे अजीब तरीके के पत्थर देख रहे हो, ये थोड़ा अलग किस्म का लावा होगा। और पता नहीं, जो भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ हमें बताना कि अभी हम ये उधर एकदम स्ट्रेट टाइप लावा था और इधर इस टाइप का आ रखा है, तो ये क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? भाई कोई पहनी जगह पर पैर मत रख देना, नहीं जूता शार्प जगह से बच के रहना। पहली बार किसी ट्रिप में मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आया हूँ और यहाँ पर ट्रैकिंग वाले शूज़ की सख्त ज़रूरत थी। अरे उधर जाना है अपने को, उधर चलते हैं, ये क्रॉस करके चलते हैं। ध्यान से आना भाई, ध्यान से एकदम। जूता फटना स्टार्ट हो गया है मेरा एक जगह से। बहुत पहने हैं यार ये। सामने जो आपको छोटा सा पहाड़ दिख रहा है वही है मेन वोल्केनिक माउंटेन, जो किसी टाइम में फटा होगा और यहाँ तबाही मचा दी होगी, और उस तबाही का मंजर आप नीचे इस लावा से लगा सकते हो। बस पहुंच गए हैं भाई ऊपर। आपको ये थोड़ा सा अलग कलर में जगह दिख रही है, यही है।
भाई जितना जोर हमें उधर आगे चलने में लगा और जितना जोर इस 100-150 मीटर चढ़ने में लगा बराबर था, एकदम स्टीप आ जाता है यार यहाँ पे। अरे भाई ध्यान से पीछे अलग अलग रास्ते पे, क्योंकि अगर मान ले पीछे से पत्थर वत्थर गिरे तो मुंह पे ना आए। आगे भाई आगे, अरे भाई साहब खतरनाक है भाई, आ जा भाई पूरा गहरा है वो भाई साहब, ओ भाई साहब ये क्या यार, ओ भाई साहब खतरनाक सीन है यार, ये पूरा गहरा है, ऊपर मत जा। अबे ये देखो 1, 2, 3 ओ मुझे लगा था बीच में बैठ के लंच करेंगे, ये तो कुछ ज्यादा ही गहरा, इसके अंदर तो नहीं जाया जाएगा भाई, एकदम स्टीप है तो यहाँ से निकलता होगा ना लावा। हाँ यहाँ यहीं से तो नाश्ते वाला सीन हो रहा है अब हमारा। तूने यहीं से लिया था क्या ये? नहीं इंडिया से लाया, इंडिया से लाया था क्या? कचरा अपन बैग में डालेंगे, यहाँ पे क्यों कचरा फैला है यार। हाँ, इतनी हाँ, मस्त जगह है, इधर वोल्केनो का मुंह, इधर लावा बहता हुआ और इधर हम खाना खा रहे हैं। बस आप इमेजिन कर लो अभी वो एक्टिव वोल्केनो और हम खाना खा रहे हैं, वोल्केनो में से सेक सेक के खाना खाएंगे। कुछ भी हो भाई मैं छाछ ऊपर तक लेके आ गया हूँ। ये है ब्रेड, ये है हम्मस और ये है फावा। फावा एक काइंड ऑफ राजमा सा ही होता है। आई थिंक हम्मस समझेंगे लोग। हाँ हम्मस समझेंगे। अरे सबको पता है हम्मस, हम्मस टहीन टहीना। इसके अंदर थोड़ा तेल भी मिलाते हैं और लेमन भी मिलाते हैं। और अब हम शुरू कर रहे हैं हमरा खाना। तो भाई साहब खाना क्या कह रहे हैं? मोस्ट लग्जरियस ब्रेकफास्ट ऑफ लाइफ। हाँ भाई साला वोल्केनो के ऊपर किसको खाने का मौका मिलता है, वो भी एकदम साला इधर वोल्केनो का छेद छेद नहीं पूरा खड्डा है साला, थोड़ा सा भूकंप भूकंप आ गया ना पक्का हम अंदर है इसके। और यार नेचर ने भी कमाल किया हुआ, एकदम सर्कुलर शेप में है ये। क्या गिरता ही जा रहा है क्या, पाताल लोक में जाएगा क्या वो? चल शुरू करते। ये आ गया, ये खुल गई हमारी फावा बीन्स। चिंता मत करिए कचरा नहीं फैलाएंगे हम, जाते टाइम हमारा सारा ट्रैश फ्रेश लेके चले जाएंगे। यहाँ पे कैंपिंग तो नहीं हो पाती यार, मेरा सच में प्लान ये था कि अंदर कैंपिंग करूंगा अब इसके, मुझे लगा कि थोड़ा सा ही गड्ढा होगा यार साले, तो कम से कम भी भाई 150 फीट होगा आराम से, 100-150 फीट उससे भी ज्यादा हो पता नहीं। ये है भाई साहब वोल्केनिक माउथ, यहाँ से लावा निकला होगा फक 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 और पूरा नीचे आपको जो जो काला दिख रहा है ना फक 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 लावा कब से निकलने लगा। अरे गाना पोस्ट कर स्ट्राइक आएगी सही है। और मैं इधर थोड़ा निरीक्षण कर रहा हूँ इसका, और अब हम प्लान बना रहे हैं कि ड्रोन उड़ाए तो उड़ाए कैसे, क्योंकि हवा बहुत ही तेज चल रही है, बहुत ज्यादा तेज, मतलब कति जी फाड़। लेकिन ड्रोन शॉट तो बनते हैं भाई, यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ाया तो कुछ भी नहीं किया। चल जल्दी से उड़ाते हैं, ज्यादा बकवास किए बिना काम की बातें करते हैं। ड्रोन शॉट देखिए आप, उसके बाद बातें करते हैं आपसे, अभी तो हैं 15-20 मिनट और यहीं पे। भाई ओहो
इस वोल्केनो का मुंह तो जब हम ऊपर थे आप, ओ भाई ओए ओए इतना ऊपर ध्यान से यार। तो वोल्केनो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मनोरंजन करने के लिए, हमारे हमें इतने अच्छे एक्सपीरियंस देने के लिए। आई होप आप आने वाले टाइम में फिर एक बार फटें, लेकिन लोगों पे वो कहर मत ढाना, बस एक बार हल्का सा फटना, ज़्यादा नहीं, ताकि लोग आपको बस यहाँ पे आसपास देखने आ सकें और आपका एक लुफ्त उठा सकें। यार आज तक मैंने कभी भी वोल्केनो नहीं देखे थे, माना है ठीक है ये नॉन एक्टिव वोल्केनो है, लेकिन फिर भी आप सोच के देखिए कभी ना कभी तो यहाँ पे फटाक फक फक ज्वालामुखी निकली होगी ना यहाँ से ज्वाला। विष्णु अभी नीचे चला गया है, तो बाय बाय, खुदा हाफिज हमारे प्यारे वोल्केनो। क्या हुआ? अरे भाई टेढ़ा टेढ़ा उतर, ऐसे ऐसे पैर रख भाई, उतरना हमेशा मुश्किल होता है क्योंकि उतरते टाइम आपकी ग्रेविटी का सेंटर बदल जाता है। साला तो फिजिक्स पढ़ी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ज्ञान बहुत पेलता हूँ फिजिक्स का। आते टाइम है ना इस पोर्शन के अंदर जोर आ गया था हमें बहुत ज़्यादा। तेरी मर्जी है, रास्ते में कुछ स्पाइसी सा होता है तो वीडियो बनाते, नहीं तो बाय बाय वोल्केनो, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। जो सामने आपको दिख रहा है इतना दूर है भाई यहाँ से, वो टोटल आना जाना 10 किलोमीटर मान लीजिए। अब ज़्यादा दूर लग रहा है मेरे को विष्णु कह रहा है अगर पता होता इतना चलना होता तो मैं जाता ही नहीं कभी भी, लेकिन कोई नहीं यार, ये जो एक्सपीरियंस था ये वर्थ था, बहुत मज़े आए। और आई होप आप लोगों को ड्रोन शॉट्स देख के इस एडवेंचर में आपको भी काफ़ी मज़े आए होंगे। 11 घंटे ड्राइव करनी है और 24 घंटे भी है नहीं, चलें करें श्री गणेश। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगली वीडियो में जाने से पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, विष्णु भाई के चैनल की जो लिंक है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, आप जाके विष्णु भाई के चैनल को चेकआउट करिए। विष्णु भाई मोस्टली अफ्रीका में घूमे हुए और अपनी ट्रैवल कम्युनिटी के एक और होनहार चेहरा हो गई ना, काफ़ी तारीफ आपके यहाँ पर ना पूरा पसीना लगा हुआ है किधर, अरे ये मेहनत भाई मेहनत देख लो, अरे नमक है भाई ये, अरे नमक है भाई, खुद का नमक चाट रहा हूँ सादा। तो भाई भाई यार आप देख सकते हो यहाँ पे साला पसीने के कारण नमक जम गया है। बाय बाय गाइज, आईएनडी मनी ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करो, साइन अप करो, या फिर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करते टाइम NI टेस्ला कोड को यूज करो, एंड जब भी आप अपने अकाउंट को फर्स्ट टाइम फंड करोगे उस टाइम आपको मिलेंगे 750 रुपीज के फ्री शेयर, और मेरी लिंक या कोड से साइन अप करने पर आपको 50 रुपीज के टेस्ला के फ्री बोनस शेयर मिलेंगे। आईएनडी मनी ऐप को 4 मिलियन से भी ज्यादा इंडियंस यूज करते हैं, और ये इंडिया के अंदर बेस्ट ऐप है अगर आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो।